नदी का मुझे लगता है कि नदी का रोल माँ की तरह होता है. जैसे माँ अपने जीवन अपने बच्चे को संस्कारित करती है, उसको छोटी बड़ी सब चीज़ें सिखाती है. मुझे लगता है किसी भी आस्थावान शहर के बारे में या किसी भी सिविलाइजेशन में नदियों का वही रूप है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं तरीके किसी भी तरीके से उसमें जब स्नान करते हैं या उसके पानी को छूते हैं तो आपके अंदर एक एक करुणा और एक शांति दोनों एक साथ उपजती है. सरयू अयोध्या से जुड़ी हुई है और नदी और शहर की जो संस्कृति होती है उसके साथ उसका अपना एक जुड़ाव है. मानस में वर्णित ही है कि उत्तर दिशा में सरयू बहती है, जिसका आप अभी रूप देख सकते हैं. प्रमाण के साथ मौजूद है कि अयोध्या में सरयू उत्तर में है, उत्तरवाहिनी है और पूरा अयोध्या उसके पार्ट पे बसा हुआ है. सरयू जैसी मृत्युलोक में दूसरी कोई नदी नहीं है, इस बारे में मैं बिल्कुल दृढ़ मत रखता हूँ. ये केवल इसलिए नहीं कि मैं अयोध्या में रहता हूँ या उसके तट पर रहता हूँ, ये इसलिए भी कि पुराणों में भी इस बात की संस्तुति है. और यहाँ के ठीक पहले वाराह क्षेत्र जो है गोंडा जिले में, सरयू घाघरा संगम को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कहीं सरयू के घाट की न प्रतिष्ठा है न चर्चा है. सरयू मुख्य रूप से अयोध्या में आकर के ही चर्चित होती हैं, श्री राम की लीला के साथ ही उनका पूरा संबंध होता है और फिर इससे आगे बढ़ती हैं तो उसके आगे भी लोग स्नान करने के जहाँ नदी है लोग पहचानते हैं, पर कहीं अयोध्या के अलावा उसका अन्यत्र महात्म्य सरयू का नहीं, अयोध्या में ही उसका सर्वाधिक महात्म्य प्रकट है क्योंकि वो श्री राम के ही संकल्प से यहाँ आई हुई है. यदि हम इसको भावनात्मक दृष्टि से देखें तो सरयू का राम से गहरा संबंध है. सरयू का एक नाम वासिष्ठी भी है, इसको वशिष्ठ की पुत्री माना गया, तो वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी थे, तो इस अनुसार से सरयू जी का एक बड़ा महत्व भी है. हम लोग सरयू जी को जिस भाव से देखते हैं उसके पीछे भाव यह है कि हरे क्षणे जाता सकल भाव माता. हरे क्षणे मतलब कि हरि के नेत्रों से इसका जन्म हुआ, यानी भगवान विष्णु के नेत्रों से इसका जन्म हुआ. ये कहा जाता है ये नेत्रजा हैं, भगवान विष्णु भावना जब कुछ किसी भावना में द्रवित होकर उनकी आँख से कुछ आंसू गिरे और वही कालांतर में सरयू नदी के तौर पे परिवर्तित हो गए. तो ये कहा जाता है कि भगवान के चरणों को भी ये प्रच्छालित करते हुए उसको धुलते हुए जाती है. तो ये नेत्रों से निकल के और भगवान के चरणों को प्रच्छालन तक की जो व्यवस्था है सरयू के प्रति, एक जो भावनात्मक एक रागात्मक रिश्ता रहा है वह भगवान का भी रहा है और यहाँ के जनजीवन का भी रहा, आम जन का भी रहा है. ये कहा जाता है ना कि यहाँ पे सरयू सर कल कलिश नसाम, मतलब कि जो हमारा कलयुग का जो हमारा कलुष है, जो एक मानसिक विषाद की अवस्था है या मानसिक डिविएशन की अवस्था है, वह सरयू के जलवे स्नान से वह पवित्र हो जाती है, वह साफ हो जाती है. इक्षुकांड रशोदकम जो अयोध्या से सट करके उत्तर दिशा में सरयू नदी प्रवाहित होती है, उसका जो जल है वह गन्ने के रस की तरह मीठा है. और इस वंश में एक इक्ष्वाकु राजा हुए. इक्ष्व का अर्थ ही होता है गन्ना और वाक माने वाणी, जिसकी वाणी गन्ने के रस की तरह मीठी हो, इस वंश में राम का अवतार हुआ. और यहाँ की नदी भी ऐसी प्रवाहित होती है जिसका रस जो है, जिसका जल जो है वो गन्ने के रस की तरह मीठा है, ऐसी सरयू नदी है. मुझे लगता है तमाम सारे लोग जो सरयू में इस भाव से स्नान करते हैं कि वो पवित्र होंगे और उनको राम और सीता का आशीर्वाद मिलेगा, एक ऐसा विचार है कि जिसको कह के लिख के गा के व्यक्त नहीं किया जा सकता.